सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक और नई भर्ती के बारे में। साथियों, आपके लिए अग्निवीर की नई भर्ती आ चुकी है। अग्निवीर वायु सेकंड 2023 वाले बैच का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक्स एंड वाई ग्रुप की भर्ती है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी न्यू वैकेंसी के बारे में। तो साथियों, नोटिफिकेशन आ चुका है और अग्निवीर वायु इंटेक सेकंड 2023 वाला बैच है, ठीक है। और हम आपको बता दें, 17 मार्च से दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप 17 मार्च से कर सकते हैं इस वैकेंसी में, एंड इसका लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए, और 250 रुपये फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। मेल फीमेल बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर पाएंगे अग्निवीर में। ये वाली बात आप समझ चुके हो। और दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला दोस्तों मई में होगा, मई 2023 में आपका एग्ज़ाम करा जाएगा, और 20 मई से दोस्तों आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है अग्निवीर के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी एज के बारे में, अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए, क्या आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मेन बात है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। यदि आपकी एज नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी एज 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2004 के बीच होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका DOB क्राइटेरिया इस डेट ऑफ बर्थ के बीच है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिला लो, 26 दिसंबर 2002 से पहले के नहीं होने चाहिए और 26 जून 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए। जिनों का भी एज दोस्तों इसके बीच बैठ रहा है, वो अप्लाई कर पाएंगे सेकंड 2023 वाले बैच में, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपका DOB इसके बीच है या नहीं। एज के बारे में हमने आपको बता दिया है कि 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2004 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम आपके एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपकी पढ़ाई क्या होना चाहिए, तो यही मेन बात है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन वैकेंसी में केवल 12th पास वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप अपेयरिंग हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपने कंप्लीट कर लिया, 12th पास कर लिया है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है, योग्य हो। तो दोस्तों, आप 12वीं पास होने चाहिए, नंबर एक बात तो ये रही। और यदि आप साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों अप्लाई करोगे, यानी कि एक्स ग्रुप में अप्लाई करोगे, तो PCM होना कंपलसरी है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपके पास होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी 50% होना कंपलसरी है, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों 50% आपका चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी 50% चाहिए। ये वाली बात आप क्लियर समझ चुके हो। एंड यदि आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे, तो दोस्तों आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में इसमें आपकी 50% होना चाहिए, तभी आप दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, यानी कि वाई ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आप 12th पास हैं दोस्तों, आपके लिए भर्ती आ चुकी है। तकरीबन दोस्तों हर इंटेक में वैकेंसी जो होती हैं 3,500 या 4,000 के आसपास होती हैं, ठीक है। तो अभी इसमें दिखाई नहीं देता है कि इतनी वैकेंसी आई है, केवल नोटिफिकेशन आता है। बाकी जो इंटेक होता है, तो कितने बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, 3,500 या 4,000 के आसपास। अब हमने आपको बता दिया है कि यदि आपके पास PCM है, तो एक्स ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। PCM नहीं है दोस्तों, वाई ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, फिजिकल के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसमें रनिंग होने वाला आपका 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। 1 सेकंड हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, PFT में आपका रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा और स्क्वैट्स होगा, ठीक है। यह आपका फिजिकल में होने वाला है, लेकिन दोस्तों पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। फेज़ फर्स्ट में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, मई में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ठीक है। 250 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, और जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पास कर लोगे, क्रैक कर लोगे, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ रहेगी, एंड फिर आपका फेज़ सेकेंड होगा।
फेज़ टू में दोस्तों आपका क्या होगा, जीडी होगा, फिजिकल होगा आपका, एसआरटी होगा, डीएफटी होगा आपका, ठीक है। ये आपका फेज़ टू में होने वाला है, लेकिन आपको फेज़ फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा, कट ऑफ में जगह बनानी होगी, फिर जाकर दोस्तों आपका फेज़ टू होने वाला है। तो फोकस आपको क्या करना है, फेज़ फर्स्ट पर करना है अभी, ठीक है। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है इसमें, हम आपको दिखा देते हैं, 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आप समझ चुके हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, बाकी अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए वीडियो हम बना देंगे, आप टेंशन मत लेना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और आपकी हाइट दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप मेल हैं, और फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की दोस्तों भर्ती आ चुकी हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे आप। और मेल की दोस्तों कटअप थोड़ा हाई जाता है फीमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फीमेल कटअप थोड़ा लो जाता है इसमें एक्स और वाई ग्रुप की भर्ती में, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कटअप आई है, रिजल्ट जारी किया गया है, तो फीमेल की कटअप दोस्तों काफ़ी कम गई है, आप देख लेना। यदि आप योग्य हैं तो अप्लाई करना, और हमने आपको हाइट बता दिया है आपका कितना होना चाहिए, मेल है तो 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करती हो दोस्तों, इतना मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि अग्निपथ के तहत ये भर्ती होंगी, 4 साल की भर्ती होने वाली हैं, ठीक है। स्कीम लागू हो चुकी है, एक्स वाई ग्रुप की जो भर्ती आएंगी एयरमैन की, अब उनका नाम बदल कर दोस्तों अग्निवीर वायु रख दिया गया है, 4 साल की भर्ती होने वाली हैं, और पूरा प्रोसेस दोस्तों हमने पहले आपको बता दिया था, ठीक। तो ऑलमोस्ट भर्ती की कम्प्लीट जानकारी हमने आपको दे दिया है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। 17 मार्च से दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और दोस्तों इसका लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च, और 31 मार्च शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी दोस्तों हमने छूट गया हो तो अगली वीडियो में हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको, नहीं तो टेलीग्राम के जरिए बता देंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसा करना, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करो जी स्टडी, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आता है हम आपको वहाँ पर जानकारी देते रहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो पहली बार आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो, जय हिंद।